मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई हैं कोलकाता के SSKM अस्पताल। तस्वीरें देखें यहां पर, उनको गाड़ी से उतरने के बाद व्हील चेयर तैयार रखी गई है। गाड़ी से उतरी हैं तब ममता बनर्जी जो है ठीक से चल नहीं पा रही थी और उनको डॉक्टर जो है इस समय पकड़ करके वो व्हील चेयर पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। तस्वीरें सीधे कोलकाता के SSKM अस्पताल से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का चॉपर खराब मौसम के कारण जलपाईगुड़ी में एक जनसभा से वो निकल रही थी, जहाँ पर चॉपर से उड़ने के बाद थोड़ी देर बाद खराब मौसम के कारण वहां पर चॉपर को प्रिकॉशनरी लैंडिंग उसकी की गई सिलीगुड़ी के एक मिलिट्री इलाके में, और जहां से उसके बाद वो सड़क के रास्ते बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची हैं और फ्लाइट के जरिए चॉपर के जरिए नहीं आई हैं कोलकाता। प्लान में बदलाव हुआ है, चॉपर के जरिए ना आकर के फ्लाइट से कोलकाता आई हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से सीधे देखिए SSKM अस्पताल पहुंची हैं। गाड़ी से उतरते हुए ममता बनर्जी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उनके पैर में चोट लगी है, कमर में चोट लगी है, स्पाइन में चोट लगी है, ये फिलहाल जानकारी मिली है। और सीधे एयरपोर्ट से SSKM अस्पताल, और SSKM अस्पताल का ये वुडबर्न ब्लॉक है जिसे ख़ासतौर पर VIP वार्ड कहा जाता है। जब भी बीमार कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री होती हैं, इसके पहले भी जब पैर में चोट लगी थी विधानसभा चुनाव के दौरान, तो भी सीधे यहीं इसी SSKM अस्पताल में आई थी। अब पंचायत चुनाव के ठीक पहले उनको फिर से ये चोट लगी है। सवाल उठने लगे हैं कि हर चुनाव के पहले कैसे उनको चोट लग रही है, सवाल BJP की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज की जो घटना हुई है, खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का चॉपर जो है वो उसे प्रिकॉशनरी लैंडिंग करनी पड़ी है। उड़ तो गया था वो चॉपर जलपाईगुड़ी से, लेकिन खराब मौसम की वजह से कई झटके लगे हैं, खास तौर पर कमर पर, पैर पर जो है वो चोट आई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। इस वजह से सीधे कोलकाता के SSKM अस्पताल में पहुंची हैं। देखिए यहाँ की तस्वीरें, कुछ समय पहले से ही यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई थी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ ठीक मुख्यमंत्री की गाड़ी को लेकर के ठीक उसके पहले पहुँचे हैं। साथ ही साथ जो स्पीकर हैं विमान बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल विधानसभा के, वो पहुँचे, कई जो अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, सभी यहाँ पर पहले पहुँच गए थे। और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो तस्वीर साफ देखने को मिलती है कि मुख्यमंत्री जब गाड़ी से उतरती हैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और मुख्यमंत्री को सीधे अस्पताल के अंदर ले जाया गया है। कई डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पहले से मौजूद थी वो उनकी जांच में लगी हुई है। फिलहाल जो है जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मुख्यमंत्री को चोट जो आई है वो कितनी गंभीर है। लेकिन सीधे कोलकाता के SSKM अस्पताल पहुँची। एक बार फिर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई, देखिए ये वुडबर्न वार्ड है, ब्लॉक है, जो कि जहाँ पर मुख्यमंत्री इसके पहले भी जब उनके पैर में चोट लगी थी, गंभीर चोट लगी थी विधानसभा चुनाव के पहले, तब यहाँ पर भर्ती हुई थी, उनका इलाज यहीं पर हुआ था, कई दिन यहाँ पर उनको रहना पड़ा था। और आज फिर जब उनको चोट लगी है तो इसी SSKM अस्पताल के वुडबर्न ब्लॉक में यहाँ पर पहुँची हैं सीधे एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और चोट उनके कमर में लगी है, स्पाइन में लगी है, साथ ही साथ उनके पैर में भी चोट लगी है, जिसके लिए सभी जांच किए जाएंगे। हालांकि आपको ये बता दें कि एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस तैयार रखा गया था, लेकिन एम्बुलेंस में न बैठ करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठी, और यहाँ भी जब जो तस्वीर देखने को मिली कि अपनी गाड़ी से ही वो उतनी और उतर कर, हालांकि वो सीधे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, लेकिन जो डॉक्टर थे वो उनको अंदर ले गए तुरंत, और फिलहाल जांच जो है वो शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में पंचायत चुनाव को लेकर के एक जनसभा को संबोधित करने गई थी, मौसम खराब था जब उनकी जब वो वहाँ पर पहुँची, तब भी मौसम बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर पहुँची, जनसभा को संबोधित किया, उनको वहाँ से कोलकाता वापस लौटना था चॉपर से। लेकिन इसके पहले कि वो चॉपर जैसे ही उड़ा, कुछ ही मिनटों के भीतर जो पायलट हैं उनको ये महसूस हुआ कि मौसम बहुत ख़राब है, कुछ झटके भी लगे ममता बनर्जी को, और तुरंत ही प्रिकॉशनरी लैंडिंग कह सकते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग जैसे भी कह सकते हैं उसको, जो सिलीगुड़ी का एक मिलिट्री इलाका है वहाँ पर ये लैंडिंग हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ पर उतनी, चॉपर से बैठी, इंतज़ार किया, क्योंकि प्रशासन की तरफ से गाड़ियों की व्यवस्था की गई, तुरंत वहाँ से वो एयरपोर्ट पहुँचती हैं बागडोगरा एयरपोर्ट,
और एयरपोर्ट से सामान्य फ्लाइट के जरिए सीधे कोलकाता पहुंची और कोलकाता पहुंचते ही इस SSKM अस्पताल में पहुंची है। देखिए तस्वीर आपको दिखाएं, फरहाद हकीम कोलकाता शहर के मेयर हैं, साथ ही साथ मंत्री भी हैं, वो पहुंचे हैं अस्पताल। जो मंत्री हैं राज्य सरकार के, उनके आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। पुलिस के आला अधिकारी पहले से यहां पर मौजूद रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव यहां पर मुख्यमंत्री के पहले पहुंच गए, मुख्य सचिव पहुंच गए, और अब फरहाद हकीम पहुंचे हैं, और भी कई मंत्री हैं, और मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ये यहाँ पर वुडबर्न वार्ड, जहाँ पर फिलहाल ये देखना है कि जांच जो होती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, उसके बाद क्या उनको यहाँ पर चिकित्सा के लिए रखा जाता है या फिर वो घर जाती हैं, और चोट उनको कितनी गंभीर लगी है ये जो है जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल SSKM अस्पताल में देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम हैं, पुलिस बल जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है।